लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। हे दोस्तों, क्या आप भी किसी लड़की से अभी भी बात करने के लिए डरते हो? यार आप जानते हो, ज़्यादातर लड़के भले वो कितने स्मार्ट और हैंडसम हो, वो ना लड़की से बात करने के लिए डरते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ये बात झूठ कह रही हूँ, तो आप कोई भी खूबसूरत लड़की हो जो कि देखने में अच्छी हो, खूबसूरत हो, उसके सामने जाकर बात करने की कोशिश करो। आप कितने नर्वस हो और आप उससे बात करने से कितने घबराते हो, इसी से आप समझ जाओगे कि आप उससे बात करने से डरते हो या फिर नहीं। तो दोस्तों, जानते हो ये जो लड़के होते हैं ना, मेरे जो प्यारे प्यारे दोस्त होते हैं, ये सब लड़कियों से बात करने से क्यों डरते हैं? क्योंकि असल में वो सब अभी भी नहीं जानते हैं कि लड़कियाँ फर्स्ट इम्प्रेशन में लड़कों की कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें नोटिस करती है, या फिर यूँ कहे तो वैसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें सिर्फ फर्स्ट इम्प्रेशन में नहीं, कहीं भी लड़कियाँ लड़कों में नोटिस करती है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, अगर नहीं जानना चाहते तो भी देख लो यार, इतना कुछ देख लिया तो। चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो लड़कियाँ अक्सर नोटिस करती हैं लड़कों में। नंबर वन, उसका पोस्चर, कि वो किस तरह से चलता है, किस तरह से खड़ा होता है। अब ऐसे खड़े थोड़े तो हो गए, ये तो लड़कियाँ खड़ी होती हैं। मतलब कि ये सब चीज़ें ना लड़कियाँ बहुत ज़्यादा नोटिस करती हैं। क्या जानते हो, लड़के ना थोड़ा कम भी लड़कियों पे ये सब नोटिस करते हैं, या फिर कोई लड़की अगर ये सब चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी लड़कों को उतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आपको तो पता है कि हम लड़कियों को कितने प्रॉब्लम होते हैं। हम तो पिंक कलर के लिपस्टिक पे भी 100 अलग अलग टोन ढूंढ लें। तो दोस्तों, ऐसे ही लड़कियाँ ना ये सब चीज़ों में बहुत चूजी होती है, और कोई लड़का जो हमेशा झुक कर चलता है या फिर झुक के बैठता है, उन सब लड़के, वे लड़के कितने ही हैंडसम हो, अच्छे नहीं लगते। तो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे दिखो किसी के सामने, सिर्फ लड़की के सामने नहीं, हर किसी के सामने, तो ये चीज़ नोटिस करना, कभी भी झुक कर चलना, झुक कर बैठना आपकी पर्सनैलिटी पे अच्छा नहीं दिखता। मेरा बाल खराब हो गया। नंबर दूसरा चीज़ जो लड़कियाँ अक्सर नोटिस करती हैं लड़कों में, वो है मसल्स। अब हाँ यार, देखो झूठ मत बोलो कि लड़कियाँ नोटिस नहीं करती, सब लड़कियाँ लड़कों के मसल्स को नोटिस करती हैं और इससे जज भी करती हैं। देखो एक्चुअली में ना, हर लड़के को ना अपने बॉडी पे ध्यान देना चाहिए। अब देखो, लड़कियों और लड़कों में कुछ डिफरेंस होती है। तो लड़कियाँ हमेशा वैसे लड़कों को पसंद करती है, ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, जिनके बॉडी वगैरह मसल्स अच्छे हैं। तो अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो जिम चले जाओ। मैं जिम का प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन आप अपने मसल्स को अच्छे करो, उससे आप भी अच्छे दिखते हो। नंबर तीसरा जो चीज़ है ना, वो है आपके शूज़। आप सोचोगे मैं ऊपर से नीचे तक अच्छे से तैयार हो गया, शूज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है यार। अगर आप एक शर्ट पहनते हो, ट्राउज़र पहनते हो, उसके साथ स्नीकर्स पहन लिए, कोई भी घर का चप्पल पहन लिए, या फिर गंदे शूज़ पहन लिए, तो वो आपके पर्सनैलिटी पे बहुत ही ख़राब इम्प्रेशन डालता है। तो अगर आप सोचते हो कि ये सब चीज़ें लड़कियाँ नोटिस नहीं करती, तो यार ये सब चीज़ें ना लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा नोटिस करती हैं। वैसे सब नोटिस करते हैं, तो ध्यान देना। नंबर फोर चीज़, वो है फ्रेंड सर्कल। दोस्तों जानते हो, कभी कभी क्या होता है कि एक लड़का अपनी एक फेक पर्सनैलिटी किसी लड़की के सामने दिखा देता है। तो वो लड़की, अगर आप में इंटरेस्टेड है, मतलब उस लड़की में इंटरेस्टेड है और उसे थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो वो सोचती है कि आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में जाने। क्योंकि आप झूठ बोलोगे, आपके सारे दोस्त तो आपके जैसे ही होंगे, वो उस लड़की के सामने तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, वो अपना असली रूप दिखाएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ हमेशा ध्यान देना कि कोई लड़की जो थोड़ी सी स्मार्ट है, वो आपके साथ फ्यूचर देखती है, तो वो आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में जानने का कोशिश ज़रूर करेगी, ताकि वो आपके बारे में भी पता कर सके कि आप किस तरह के इंसान हो। नंबर फिफ्थ, आज के लिए लास्ट बट नेवर द लीस्ट, वो ये है कि आपका सोशल सर्कल। भले ही वो लड़की आपसे सोशल मीडिया पे मिल रही है, कहीं पे मिल रही है सामने, लेकिन वो हमेशा आपका सोशल सर्कल चेक करेगी। अगर आप उसके पास आपका आईडी है, अकाउंट है, तो वो देखेगी। अगर आसपास की कॉलेज की कोई गर्ल है, तो वो ये चीज़ नोटिस करेगी कि क्या आप दूसरे लड़कियों के सामने अट्रैक्टिव दिखते हो। असल में पता है गर्ल्स के बारे में एक फैक्ट, कि गर्ल्स ना अक्सर उन लड़कों को पसंद करती है जिन लड़कों को बाकी लड़कियां भी पसंद करती हैं। मतलब वो उसे अच्छा लगता है तो मुझे भी लगेगा, मतलब कि प्यार नहीं, लेकिन जिसकी इंप्रेशन ज़्यादा अच्छी होती है, लड़कियों को वैसे लड़कियां पसंद होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबके सामने इंप्रेशन बनाना है।
देखो आप उस तरह से लड़के बनोगे कि सबसे फ्लर्ट करोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप सबसे दोस्ती करते हो, एक अच्छा इंप्रेशन डालते हो, तो वो हर किसी के नज़र में एक अच्छा चीज़ दिखता है। तो दोस्तों ये थे 5 चीज़ें जो लड़कियाँ किसी लड़के पे नोटिस करती है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो लड़कियाँ नोटिस करती है लड़कों पे। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Till then, bye-bye, take care, I miss you, and don't forget to miss you.